हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक अमन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे Xiaomi Mi A2 मोबाइल के बारे में। तो यहाँ पे इसमें जो जुलाई मंथ का सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो पुश कर दिया गया है Mi A2 मोबाइल के लिए। और गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अगर आपके पास यहाँ पे अगर Mi A1 A2 A3 इनमें से कोई सा मोबाइल है और अगर आपको उसमें कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करना है तो मेरे चैनल पर आपको वीडियोज देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैंने आप सभी को बता रखा है कि आपका ऐसे बड़ी आसानी से अपने Mi A2 मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। तो अभी ऊपर आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी जाके, अगर आप चाहते हैं कि हमारे मोबाइल में भी कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन हो, तो आप सिंपल सा जाके वहां से कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दे और उसके बगल में आपको एक बेल का आइकन भी दिखेगा तो उस पर भी क्लिक कर दे। तो गाइस, बिना आपका समय गवाए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सिक्योरिटी पैच अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेरे ख्याल से तो आपको नॉर्मली पता ही होगा। आपको सिंपल सा चले जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे जो सबसे नीचे ऑप्शन दिखता है सिस्टम में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन दिखता है। एडवांस में आने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम अपडेट देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन 10 सिक्योरिटी पैच अपडेट July 5, 2020, और यहाँ पे लिखा गया कि मैंने इसको जैसे कि अभी लास्ट चेक किया था अपडेट के लिए 3:22 पे, तो ये अपडेट तो मैंने यहाँ पे कर लिया है। और अगर आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करूँ ये कितने एमबी का देखने को मिलेगा आपको अपडेट, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस ये जो अपडेट है इसके एमबी की बात करूँ तो ये आपको यहाँ पे 30.88 एमबी अप्रोक्स 31 एमबी का अपडेट देखने को मिलेगा। तो गाइस, आप सभी के फोन में अगर सिक्योरिटी पैच अपडेट आ गया है तो आप सभी जरूर से इसको अपडेट करके रखें। इससे आपके सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, मतलब आप सिक्योर रहते हैं पूरी तरह से। तो गाइस, अगर आप सभी को मिल गया यहाँ पे सिक्योरिटी पैच अपडेट तो आप अपने भी मोबाइल को अपडेट जरूर से कर ले। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को तो अपनी तरफ से एक लाइक कर ही दीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए Mi A2 मोबाइल से रिलेटेड वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।